I went to meet him. I said yes with two lines. We were talking, he offered me another film. I heard a bit of that. I said, yeah, that's interesting. He said, okay, now I've got this other idea that I want to do later. But I'll narrate it to you, react to it. So the two lines that he narrated were, every boy grows up wanting to be like his father. What if you met a boy who wants to grow up and be like his mother? Now, I wanted to meet this boy. So as an audience, I got excited. Therefore, I jumped at it as an actor also, because I said, that's very important. You've not seen a character like this before. Forget in India, across the world, you've not seen a boy like this. Very unique. And this is maybe the first film that I jumped at an idea level. I didn't even wait for the script. Then he went road. Then after that, it developed into being a role that Kareena suits. Then she came on board. And that's how the film happened. अर्जुन जैसे हर कैरेक्टर की स्पेशलिटी होती है, इस कैरेक्टर की स्पेशलिटी क्या है आपको, ये जो कैरेक्टर है कबीर का? यार मैं ये मानना चाहूंगा कि हर इंसान में एक स्पेशलिटी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही होती है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी. कबीर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ही अंडरस्टैंड्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ होम मेकर. ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड एक्चुअली व्हाट गोज थ्रू अ वुमेन्स लाइफ. कई बार क्या सैक्रिफाइस करके आपको चॉइस नहीं दी जाती और आपको एक रिलेशनशिप में डाल दिया जाता है जहाँ पे आप फिर भी निभाते हो और बेहतरीन तरीके से निभाते हो, बिना अपने बारे में सोचे, सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के. सो कबीर एम्पथाइजेज एंड अंडरस्टैंड्स दैट माइंडसेट ऑफ वुमेन एंड आई थिंक ही इज मे बी बेटर देन मोस्ट मेन. ही इज अंडरस्टूड वुमेन, दैट्स द मेन पार्ट इन द फिल्म, बिकॉज ही रियली गेट्स करीनास कैरेक्टर. ही अंडरस्टैंड्स हर एंड ही सपोर्टिव एंड ही नर्चर्स द रिलेशनशिप. वो है बच्चा थोड़ा सा, बट ही इज वेरी क्लियर, इज एन एजुकेटेड मैन, सो ही हैज लॉट ऑफ क्लैरिटी. सो आई वुड से दैट एवरी पर्सन इज स्पेशल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. सम पीपल हैव एन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सम पीपल आर मेंटली एट द सेम लेवल एज यू. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ परफेक्ट मैन, बट आई थिंक कबीर हैज ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज दैट आई थिंक वी ऑल एज मैन कैन लर्न फ्रॉम. इवन इफ यू टेक अप 10% अबाउट कबीर हैज, आई थिंक देयर विल बी मेनी मोर सक्सेसफुल मैरिजेस इन द कंट्री. And how good are you as a homemaker in your personal life? Madam, मैं अगर घर बनाना शुरू करूंगा या घर चलाना शुरू करूंगा तो घर बर्बाद हो जाएगा. Have you entered kitchen ever, like? हाँ, फ्रिज खोल के खाना खाने के लिए या पॉपकॉर्न बनाने के लिए, बस उतना. बस ये मेरा काम है खाना, मुझे बनाना बनाना नहीं आता. ये फिल्म के लिए कुकिंग सीखी मैंने बाकायदा, मुझे पानी बॉयल करना भी नहीं आता था. मेरी बहन चाहेगी जरूर कि मैं होममेकर बनूं और घर में हाथ बटाऊं, लेकिन आई एम वेरी मैसी. तो मैंने इस फिल्म के लिए 12-14 दिन खाना पकाना सीखा, ओनली बिकॉज आई वॉन्ट बी कम्फर्टेबल इन द किचन. जैसे आपने कहा किचन में कभी घुसते हो, हम सिर्फ मुझे खाने को क्या चाहिए वो बोलने के लिए घुसते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं होता. जैसे करीना का ऑफिस ऑफिस होता है, जैसे आपका ऑफिस ऑफिस होता है, इस लड़के का ऑफिस उनका किचन है. जो घर पे रहती है, जो घर बनाती है, घर चलाती है, उनका ऑफिस तो किचन ही होता है. सारा काम वहीं से निकलता है, फोन भी वहीं पे होता है, आटा गूंथते गूंथते, टीवी भी वहीं देखा जाता है, शाम का खाना बनाते बनाते सब कुछ वही होता है. So I wanted to look in command of that space. मैं ये नहीं लगना चाहता था कि अरे ये तो अजीब लग रहा है, चाकू कैसे पकड़ा है, मतलब क्या अंडे को कैसे फेंट रहा है. आई वॉन्टेड टू लुक कम्फर्टेबल बिकॉज बहुत सारे सीन्स हैं जब वो तैयार हो रही है सुबह काम पे जाने के लिए और मैं नाश्ता बना रहा हूँ. आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, देयर आर मेनी सीन्स लाइक दैट, वो रात को लेट आती है और हम डिनर में खाना सर्व कर रहा हूँ. सो आई वॉन्टेड टू बी एट ईज विद इट एंड दैट्स द ओनली रीजन आई गॉट इट टू अंडरस्टैंडिंग कुकिंग. आई वॉन्ट से आई हैव बिकम अ गुड कुक, बट मैं अभी नाश्ता बना सकता हूँ. मैंने कहीं पे पढ़ा था, मैंने आई रेड समवेयर दैट यू सेड कि इन रियल लाइफ आल्सो आई वुड लाइक टू कुक ब्रेकफास्ट फॉर माय वाइफ. या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू नो हाउ टू कुक समथिंग, बिकॉज़ आई नो अ वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, बट इवन अ वे टू अ वुमेन्स हार्ट इज थ्रू हर स्टमक. वुमेन आल्सो लव फूड एज मच एज मेन डू. उन्हें बनाने में ज्यादा मजा आता होगा, बट खाने में भी उतना ही मजा आता है. तो आई थिंक इट्स नाइस इफ अ मैन can do something in the kitchen. I think it's a very attractive quality to have. So ye film ke baad a lot of girls have appreciated me more. I think it's because of that element that has got added into my personality. I would encourage more men to go to kitchen after this. Ma'am, I would encourage every person to take out time and do things that makes running a home easier and simpler between in a relationship. It's not only about ki ghar pe jaake khana pakana zaruri hai. आप अगर सुबह की चाय भी बना दो संडे के दिन अपनी बीवी के लिए तो वो खुश हो जाएगी, बिकॉज दी स्मॉल जेस्टर्स गो लॉन्ग व्हेन योर वाइफ रियलाइजिंग हाउ डिफिकल्ट.
आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली इन टुडेज रिलेशनशिप में बोथ पीपल वर्क यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस एंड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड हाउ हैव योर परसेप्शन फॉर वुमेन चेंज्ड आफ्टर दिस Well, I would like to believe I'm a very decently brought up kid, so I didn't have a poor perception or a wrong perception about women to begin with. I've always been respectful about where women are concerned because I've grown up with two women. My mother, till she passed away, and my sister. So I've only had women around me actually on a daily basis. Obviously, I now have a newfound respect for women because you guys wear heels all the time. And I died wearing heels in that song dancing. I couldn't understand how you guys go through that pain because my back was ruined for 2 days after I finished the song. To educate themselves, but they're not allowed to go and use that education for a job because it's like, अच्छा, अरे बेटी तुम लड़का थोड़ी ना बाहर जाके काम करोगे अभी ग्रेजुएशन हो गई शादी कर लो फिर तुम्हारा पति बताएगा ना काम करना चाहिए या नहीं अब पति क्यों बताएगा काम करना चाहिए या नहीं वो तो आपका फैसला होना चाहिए ना आप नहीं करना चाहते अच्छा है आप करना चाहते हो तो भी अच्छा है बट इट शुड बी योर इंडिपेंडेंट चॉइस वाई शुड इट रिलाय ऑन Another person who doesn't even know you well enough to decide what's good for you, what's not good for you. I realize a lot of women don't get the opportunity to fly. Today, when you sit here, you see at least in journalism, at least women have got an equal opportunity today. It's equally split. It's one of the few fields. But I feel everywhere women should be given a fair shot on the basis of what they're capable of. Not because you're a man you get the job, or not because you're a woman you get the job. It has to be, somewhere it has to become equal. My perception of women in that sense, I've realized they have a tougher time proving themselves in society at this point because the odds are always stacked against them. Just to show that it's not about male-female all the time. It's about, agar aapke andar wo willpower hai kuch karne ki, to aap kar sakte ho. I had fun dancing in heels, but obviously I think they're designed for more fragile bodies than men because humara vazan hamesha zyada rahega aurto se. It's better suited for women, less pressure on the back. मैं तो मर गया देखो जब कोई और तारीफ नहीं करता तो अपनी तारीफ खुद करा लिया करो तो मैंने गाना रिकॉर्ड करवा दिया कि मुझे ही बोला दो मोस्ट वांटेड मुंडा नो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट क्वालिटीज शुड अ मोस्ट वांटेड मुंडा हैव गर्ल्स हैव अ लॉट गर्ल्स वांट टू फाइंड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज एग्जैक्टली सो आई हाउ कैन आई पिन पॉइंट व्हाट माय कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट अपील टू समबडी और दैट शुड अपील मुझे खुद नहीं पता आई वुड लाइक टू बिलीव ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर तो जो भी देखेगी मुझे या जो भी पसंद आएगी या मैं जिसे पसंद करूंगा इट विल बी देयर विल बी रीजंस दैट ओनली मी एंड शी अंडरस्टैंड बट मैं मतलब हट्टा कट्टा हूँ देखभाल कर सकता हूँ उसकी आई कैन हाँ वो इम्प्रोवाइजेशन था मेरा एक्चुअली वो कभी था नहीं स्क्रिप्ट में जो डांस था ना मैं बहुत खुश हो गया था तो मैंने डांस करने लग गया था नो आई एम डूइंग वेल इन माई करियर आई कैन बी देयर इन इमोशनल कैपेसिटीज इन द स्पेसिस दैट अ वुमन वुड नीड दैट कम्फर्ट So I would like to believe I have all the basic qualities. Obviously, she'll bring out better qualities in me also. तुमको experience कैसा रहा? ये कैसा हुआ? वो कैसा हुआ? अच्छा इसके बाद कोई male भी सवाल पूछ सकता है? सिर्फ women सवाल पूछ रही है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा bias हो जाऊँगा मैं अगर सिर्फ औरतों के सवाल सुनूँ। बाल्की सर की बात करें तो everybody knows कितने talented director है। Ad world में अपना नाम कमा चुके हैं सालों से। Power चीनी कम जैसी बढ़िया picture बनाई है। तो I was very excited to work with him. वो ही इज अ चाइल्ड एट हार्ट एक्चुअली ही जेन्युइनली इज दिस क्वर्की जो उनकी पिक्चर है ना उनके इमोशन का एक्सटेंशन है ही जेन्युइनली इज वेरी वेरी क्वर्की एंड ही इज लाइक अ चाइल्ड बट ही इज अ ग्रोन अप एट द सेम टाइम सो ही ट्रीटेड मी वेरी वेरी नाइसली ही ऑलवेज हर्ड मी आउट एंड ही ऑलवेज टर्न्ड अराउंड द अच्छा जो मैंने कहा तब जाके करो सो ही यूज्ड टू हियर मी आउट गिव मी दैट रिस्पेक्ट बट स्टिल यूज्ड टू गेट हिज जॉब डन एंड वेरी काम ऑन द सेट आई नेवर सॉ हिम लूजिंग हिज टेंपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ फिल्म लाइक दिस व्हिच इज सो इंटीमेट इतनी दो लोगों के बीच की कहानी है हमारे फिल्म में और कोई है नहीं इट्स अबाउट टू पीपल तो यू नीड दैट सेंसिटिविटी एज अ डायरेक्टर टू हैंडल द सेट एंड मेक श्योर द कि माहौल अच्छा रहे हां बहुत तारीफ करते हैं व्हेन रेफ्यूजी वाज रिलीजिंग दैट सिंस देन आई नो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई गॉट अ चांस टू वर्क विद इफ आई वुड हैव बीन अ डायरेक्टर द फर्स्ट एक्ट्रेस आई वुड हैव गॉन टू वाज हर शी इज ट्रूली एन आउटस्टैंडिंग एक्टर एंड आई थिंक आई एम अ बेटर एक्टर बाय जस्ट वर्किंग विद हर द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग बिकॉज She is very not non-interfering. Now that's a very big trait to have in an actor when you've experienced so much to not try and influence the other person's performance or not try and get into it. अच्छा तू ऐसे कर ले या वैसे कर ले. She never once told me how I should play the scene. No matter how many times I tried to do it differently, she was on board. She was there in the moment, responding and reacting.
is a very big quality in an actor who's been around for 15, 16 years, because you tend to get frustrated by younger actors when they're trying something different. Not once. But her best quality at a personal level is the fact that I make a lot of fun of her and she laughs at all my jokes instead of getting upset at me. So I think that's an amazing quality to have. She doesn't take her stardom seriously. She takes her work seriously, but she's not one of those. Like, I imitate her, I trouble her, I make fun of her all the time. I mean, I used to imitate Kabhi Khushi Kabhi Gham's dialogues every day too. And she used to just fall down laughing herself. Like, I used to remind her, aap pehli hero no jinki ek paddy ki do picture aayi. And she said, kaise? I said, nahi, do talash. She's done two films called Talash. So I used to trouble her, I used to tell her things about her films that she had forgotten. Every day I used to sing a new song from her film. So I think somewhere that created that bonding that on set we had fun. And it reflects on screen also. There are other aspects where a man can be working out of home and running the house also. But tabhi bhi logo ko sharam aati hai us pe charcha karne pe ya baat karne pe. I don't think there's anything, if you're a writer, if you are working in a creative field, there are moments, there are times where you won't have work to step out all the time. Your wife might have an amazing corporate job that is taking care of the house in a big way. Men realize that. And they'll run the house or they'll take care of the kid while you're working outside. It exists. It's not only that ki Western society mein aisa hota hai. India mein bhi hota hai. India mein baat karne se katrate hai log. Aur India mein kya society bolti hai? Are, mard ghar pe baithta hai aur aurat she. Kyun? Jab un dono ko problem nahi hai, to hamari kya problem hai? Hum kya society ungli bahut karti hai. Ungli karna band kar dena chahiye. If two people are comfortable doing something, how is it anybody else's concern? तो आई थिंक इट एग्जिस्ट. शायद ये पिक्चर के बाद चर्चा खुले तौर पे हो सके विदाउट बीइंग स्केयर्ड अबाउट सोसाइटी क्या बोलती है सोचती है. बिकॉज इट्स एन आर्ट हाउस मेकिंग. आई मीन बीइंग अ होम मेकर यू आर एन आर्टिस्ट. यू गॉट टू रन अ होम इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे पॉसिबल वेयर एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट एंड दे शुडंट हैव टू कंप्लेन बिकॉज दे आर ऑल रनिंग अराउंड ऑल ओवर द प्लेस. दे शुड वांट टू कम बैक होम एंड फील एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड हैप्पी. तो बहुत मुश्किल काम है और जॉब है प्रॉपर ड्यू नहीं मिलता उसे. मेरे फैमिली का क्या रिएक्शन है? मैं तो खराब काम भी करूँ तो भी अच्छे ही बोल देंगे. मेरी फैमिली है. आपको क्या लगता है? आप फैमिली तो फैमिली होती. माय दादी एंड नानी आर स्लोली रियलाइजिंग व्हाट द फिल्म इज नाउ व्हेन दे सीन द ट्रेलर. सो दे आर रियली हैप्पी. दे लाइक तू तो शादी के लायक हो गया. तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ शादी के लायक. See, dad knew about the. It's a romantic comedy. It's about the relationship. It's about, you know, Hindustan mein marriage filmon mein kya hota hai? Happy ending matlab shaadi kar lo, uske baad mat dikhao kyunki sab boring hota hai. Ab aisa kyun? I think marriages can be cool, especially for the younger generation, because we are breaking the shackles, we are breaking the norms, we are stepping out and making our own rules. So this is also another scenario where we've made our own rules as two people in a relationship, and they try and live happily ever after getting married instead of before getting married. Marriages can be cool. It's just I've seen a lot of young couples who are very comfortable with each other because they have this communication and understanding. So if this film can have that effect on relationships, I think it'll be really nice in a small way. आप जो पूछ रही थी पूछिए. Trailer में me he's had a blast playing with these trains a lot in the film because in the film my character's obsessed with trains. तो मैं जब घर जमाई बनता हूँ. हाँ मैं picture में घर जमाई बनता हूँ. बहुत जरूरी चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है. आपके साथ खुलासा किया मैंने. मैं पिक्चर में जब घर जमा बनता हूँ मैं घर की हालत देखता हूँ और कहता हूँ मुझे घर बदलना है पूरी तरह. तो आई रेनोवेट द होल हाउस एंड यूज दैट क्वर्क दैट आई हैव एंड दैट लव ऑफ ट्रेन्स और मैं पूरे घर को एक ट्रेन स्टेशन की तरह बना देता हूँ. तो हमारी डाइनिंग टेबल पर ट्रेन आती है रोज खाना लेके रोज जाती है और मैं पहली बार उसे ट्रेन म्यूजियम ले जाता हूँ अपने पहले डेट के लिए. तो वो कहती है ये कहाँ ले आए हो? दिल्ली में ट्रेन म्यूजियम होता है? मुझे पता ही नहीं था. जी सर तुझे बहुत ही सर तुझे बहुत कुछ नहीं पता. सो ही हैज एन इन्फैटुएशन फॉर ट्रेन्स एंड एक्चुअली बाल्की सर डिड बट वी यूज्ड इट इन द फिल्म. लोगों की हॉबीज होती है ना, हम कभी उस पर गौर नहीं करते. सिर्फ हम कैरेक्टर के डेजिग्नेशन पे डिसाइड करते हैं अच्छा ये बैंकर है पिक्चर में पर उसके आगे भी कुछ करता होगा. तो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस अ हॉबी ऑफ अ कैरेक्टर फॉर वंस एंड आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब. मेरा मैसेज यही है आप पिक्चर देखो आपको जो मैसेज लेना है उसके बाद ले जाना पर पिक्चर देखने जरूर आना और वो भी थिएटर में.